नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारा चैनल अक्सर रोजगार की बातें करता है और अब देखिए एक खबर आई है कि बिहार के 12वीं पास युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता देने की तैयारी सरकार कर रहा है। योजना एवं विकास विभाग के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता देने जाने की प्रक्रिया जो है वो 5 साल तक अब विस्तारित किया जाएगा, यानी कि 2021 से 26 तक विस्तारित किया जाना है। पहले के नियमों और शर्तों के मुताबिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा, यानी कि उनके खाते में सुनिश्चित भत्ता दिया जाता है और वो आगे भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, आगे सुनिएगा, इस योजना के अंतर्गत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। यानी कि जो युवा 12वीं के बाद कहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर रोजगार ढूंढ रहे हैं या फिर जो युवा आगे किसी भी कक्षा में अपना नामांकन नहीं करवा सके हैं, उन्हें सरकार 1000 रुपये हर महीने भत्ता देगी। यानी कि रोजगार नहीं देगी, भत्ता देगी, रोजगार ढूंढने की सहायता में भत्ता देगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस नोटिस में, हम आपको एक बार पढ़कर सुनाते हैं। लिखा है कि इस योजना के अंतर्गत 20 से 25 साल के 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार की तलाश में मदद के मकसद से सहायता भत्ता दिया जाएगा और उन्हीं युवाओं को भत्ता दिया जाएगा जो 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर सके हैं और ना ही अगली कक्षा में नामांकन लिया है। लाभार्थियों को 1000 रुपये महीने के हिसाब से अधिक 2 वर्षों तक यह भत्ता दिया जाएगा। साल 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अभी तक 5 लाख से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिलता आया है। इसके तहत 650 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान युवाओं के बैंक खाते में किया जा चुका है और 2021 से 26 तक हर साल 150 करोड़ से 750 करोड़ का भुगतान होने की संभावना है। इस राशि से पहले चयनित लाभार्थियों को भी वो ही भुगतान मिलेगा और पूरी डिटेल्स चेक करने के बाद, कागजात कंफर्म करने के बाद यह भत्ता जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इससे एक चीज तो क्लियर है कि अब आने वाले दिनों में रोजगार तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन रोजगार ढूंढने के लिए आपको भत्ता जरूर मिलेगा। तो 1000 रुपये में एक काम कीजिए, हर महीने 1000 रुपये लीजिए और उसके बाद रोजगार ढूंढिए, जगह जगह पर रोजगार ढूंढिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, क्योंकि सरकारी नौकरियों की तो भरमार है, लेकिन उनके लिए भरमार है जो इजिली उसको अवेल कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, उन्हें यह भत्ता से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसा दिया गया था खबर में कि अच्छी खबर, लेकिन हमारे हिसाब से कोई अच्छी खबर नहीं है। हमारे हिसाब से ये दर्शाती है कि हमारे बिहार में कितनी बेरोजगारी है कि अब रोजगार ढूंढने के लिए सहायता दे रही है सरकार कि जाइए, 1000 रुपये हम आपको भत्ता दे रहे हैं और इस राशि से आप नौकरी ढूंढ। फिलहाल इस खबर में आज इतना ही। दिन भर आज मेरे साथ, हमारे साथ बने रहे और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।